हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्रोवाइडर। अभी हम 3 BHK का फ्लैट जो कि 1435 स्क्वायर फीट में कॉर्नर फ्लैट दिखाने के लिए आए। यहाँ पर बहुत सारी फ्लैट है जो कि टोटल ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग का फ्लैट है। ये देखिए, सामने में आपका एक सीढ़ी का एरिया हो गया, 8 फीट चौड़ा ये कॉरिडोर का एरिया हो गया, ये देख रहे हैं। और यहाँ पे 2 लिफ्ट दिया हुआ ऑलरेडी, एक लिफ्ट का एरिया ये हो गया आपका और दूसरा लिफ्ट का एरिया आपका ये हो गया। टोटल फ्लैट ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग का है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको फ्लैट की पूरी जानकारी मिल सके। ये देखिए, दूसरा सीढ़ी का एरिया हो गया, यानी 2 सीढ़ी और 2 लिफ्ट इस बिल्डिंग में है। 2 फ्लोर पार्किंग के साथ मिलने जा रही है जो कि बेउर मोड़ के पास है। ये देखिए, ये आपका कॉरिडोर हो गया। ये कॉरिडोर से यहां से शुरू होती है 2 फ्लैट जो कि 12x8 का सेपरेट फ्लैट का एरिया दिया हुआ है। चाहे तो आप लोग इसको सेपरेट भी कर सकते हैं और यहाँ पे सुपर स्टैंड वगैरह रखने के लिए एरिया अच्छा खासा दिया हुआ है। यहां से 2 फ्लैट स्टार्ट होती है, एक 1292 स्क्वायर फीट जो कि हमने पिछले वीडियो में दिखाया और एक 1345 स्क्वायर फीट जो कि कॉर्नर फ्लैट है। ये देखिए, यहां से फ्लैट की एंट्री होती है जो कि आपका ड्राइंग हॉल का एरिया हो गया। ड्राइंग हॉल का स्पेस की बात करेंगे तो 20 फीट लंबा है और इस लोकेशन में आपका यहां पे चौड़ाई 10 फीट है और यहां पे आपको अप्रोक्सीमेट 20x16 का आपका मिल रहा है एरिया जो कि ड्राइंग हॉल का एरिया है। इसके साथ साथ आपका डाइनिंग हॉल का स्पेस है। ये देखिए, डाइनिंग हॉल का स्पेस हो गया और डाइनिंग हॉल के साथ अटैच आपका एक बालकोनी का एरिया है। ये 100% रेसिडेंशियल एरिया है। ये आपका बाईपास से देवर मोड़ के पास, बाईपास जो है बाईपास से उत्तर का एरिया पड़ता है जो चित्तौरा मार्केट के विष्णुपुरी महल्ला बोलते हैं। यहाँ से चित्तौरा मार्केट जस्ट बगल में है। 100% रेसिडेंशियल एरिया है। एयरपोर्ट की बात कीजिएगा तो यहाँ से 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और पटना जंक्शन यहाँ से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो बिल्कुल ही प्राइम लोकेशन में यहाँ पर 3 BHK का फ्लैट है। अब मात्र 1345 स्क्वायर फीट में स्पेसियस आपका 3 BHK का कॉर्नर फ्लैट मिलने जा रही है। ये देखिए, किचन का एरिया हो गया जो कि 11x6 का आपका किचन है। देखें, डिकवर फाइनल के स्टेज पे है। G+G+6 का ये बिल्डिंग है जिसमें बेसमेंट और ग्राउंड दोनों पार्किंग है। ये देखिए, ये आपका कॉमन टॉयलेट का एरिया हो गया। मोस्ट प्रोबेबली जनवरी से फरवरी तक ये फ्लैट आपको बन के हैंडओवर हो जाएगी। ए ब्लॉक लगभग ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट है और बी ब्लॉक में अभी जो है ब्रिक वर्क चल रही है और नीचे से फिनिशिंग का वर्क शुरू हो गया। ये देखिए, आपका बेडरूम का एरिया हो गया। दो बेडरूम के साथ अटैच बालकोनी है। ये देखिए, यहाँ पे आपका अंधेरा का स्पेस हो गया, बिल्कुल ही स्पेसियस बेडरूम है। यहाँ पे आपका विंडो का एरिया हो गया। एक बार फिर बेडरूम का स्पेस आप देखिए, 1345 स्क्वायर फीट में बेहतरीन और स्पेसियस फ्लैट आपको मिलने जा रही है। और ये देखिए, ये बालकोनी का एरिया हो गया। इस बेडरूम से 2 बालकोनी अटैच है, दोनों यानी सॉरी 2 रूम अटैच है, दोनों रूम के साथ ये बालकोनी है। ये देखिए, जस्ट आपका बाईपास के बगल में है, आपका अमित होटल सामने में दिख रहा, आशा हीरो से मात्र 50 मीटर का, यानी कि 3 प्लॉट के बाद ये है। तो बाईपास आपको बगल में दिख रहा होगा। ये देखिए, गाड़ी आ जा रही है, ये बाईपास हो गया। बाईपास से उत्तर साइड में ये फ्लैट आपका होने जा रही है। यहां से अगर हम कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो पटना जंक्शन 4 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है, एयरपोर्ट 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे और नया जो पटना डोबी 4 लेन निकला है वो आपका 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है और पटना बक्सर 4 लेन जो है ये मात्र आपका 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है और 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे नत्थूपुर गोलंबर होने जा रही है। तो बिल्कुल ही प्राइम लोकेशन में है और पटना के या बिहार के किसी भी कोना में जाते हैं तो डायरेक्ट आपको 0.5 किलोमीटर तो बाईपास मिल रही है और पटना बख्तियारपुर जो 4 लेन है वो 50 मीटर का डिस्टेंस पे जो कि अभी आपको वीडियो में हमने दिखाया है। और ये आपका दूसरा बेडरूम हो गया जो बालकोनी से अटैच 2 बेडरूम का हो गया आपका। ये देखिए, आपका दूसरा बेडरूम का एरिया हो गया।
अलमीरा के लिए भी जगह दिया हुआ है। और ये देखिए यहां से ये आपका बालकोनी अटैच हो गया, क्योंकि बाईपास लोकेशन में आ रही है। एक बार फिर बेडरूम का देख लीजिए स्पेस, तो बिल्कुल ये स्पेसियस फ्लैट है। अभी और आपका हम तीसरा बेडरूम जो कि मास्टर बेडरूम है वो दिखाने जा रहे हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये देखिए ये मास्टर बेडरूम है जो कि अप्रोक्सीमेट 13x11 का आपका मास्टर बेडरूम होने जा रही है। बिल्कुल स्पेसियस मास्टर बेडरूम है, देख रहे हैं। इस मास्टर बेडरूम के साथ एक बालकोनी अटैच है आपका, यहां पे विंडो होगा और ये अटैच बाथरूम का एरिया हो गया। तो जिनको भी इस बाईपास लोकेशन में फ्लैट परचेज करना है स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, उस नंबर पे कॉल कीजिए। और हाँ, वीडियो क्लास तक बने रहे, अभी हम आपको पार्किंग का एरिया और मंदिर से लेके सारा चीज अभी आपको पार्क एरिया दिखाने जा रहे हैं, बेसमेंट पार्किंग सारा चीज दिखाने जा रहे हैं। तो वीडियो क्लास तक बने रहे और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए ये बिल्डिंग का फ्रंट व्यू हो गया, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह सारा हो चुका है। फिनिशिंग के कगार पे है, एक ग्राउंड फ्लोर पार्किंग हो गया, बेसमेंट हो गया। वीडियो क्लास तक बने रहे, अभी हम पूरा डिटेल्स अभी आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये देखिए ये हौजा बन के तैयार है। इस एरिया में आपका मंदिर बनने जा रही है जो कि शंकर भगवान का मंदिर होगा। ये देखिए ऑलरेडी शिवलिंग यहाँ पे रखा हुआ है। जय भोले बाबा। ये पूरा का पूरा एरिया आपका फ्रंट में ग्रीन एरिया होगा क्योंकि बच्चों को खेलने के लिए पार्क डेवलप करके दी जाएगी। फ्रंट में आपका विजिटर पार्किंग होगा और दो फ्लोर पार्किंग है बेसमेंट और ग्राउंड। बिल्डिंग के चारों तरफ आपका ये देखिए 15 फीट ड्राइवे छोड़ा हुआ है, क्योंकि अभी हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं और दिखाएंगे भी। कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रही है। ये हो गया आपका ए ब्लॉक का ग्राउंड फ्लोर पार्किंग। ये देखिए ये पूरा का पूरा एरिया ए ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर पार्किंग का एरिया है। ये आपका एक सीढ़ी का एरिया हो गया। ये देखिए एक लिफ्ट का एरिया हो गया और एक मेन सीढ़ी आपका इस तरफ हो गया और मेन लिफ्ट का एरिया यहां हो गया। और ये सारा एरिया जो आप देख रहे हैं ए ब्लॉक का पार्किंग है, यानी इस बिल्डिंग में टोटल 44 फ्लैट है जिसमें दो फ्लोर में पार्किंग बना हुआ है। तो पार्किंग का बिल्कुल ही बढ़िया स्पेस आपको मिलने जा रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत ही बड़ा पार्किंग एरिया है और एक फ्लोर पर मात्र 22 पार्किंग होने जा रही है। और ये देखिए यहां से बी ब्लॉक का स्टार्ट होती है, ये बीच में 40 फीट का आपका दिया हुआ है स्पेस दोनों ब्लॉक के बीच में। और यहां से बेसमेंट में जाने के लिए ड्राइवे बनेगा, बनने जा रही है। ये देखिए अभी हम बेसमेंट वगैरह सारा दिखाने जा रहे हैं। और ये देखिए ये आपका बी ब्लॉक का पार्किंग का एरिया हो गया।
पटना जंक्शन से मात्र 5 किलोमीटर का डिस्टेंस पे और एयरपोर्ट 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस पर, बिल्कुल ही प्राइम लोकेशन में ही आपका फ्लैट है। देख रहे हैं यहाँ पे एक सीढ़ी का एरिया हो गया, दो लिफ्ट का एरिया यहाँ हो गया, एक सीढ़ी का इधर एरिया हो गया। ये पूरा का पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं बी ब्लॉक की पार्किंग है, जिसमें एक फ्लोर पे 22 पार्किंग होने जा रही है, यानी कि टोटल 44 फ्लैट है और 2 फ्लोर में पार्किंग है। अभी हम आपको बेसमेंट का पार्किंग दिखाने जा रहे हैं और बिल्डिंग के चारों तरफ 15 फीट का ड्राइवे दिया हुआ है और जस्ट बाईपास के बगल में है, जो कि अभी आपको हमने फ्लैट में दिखाया। तो अभी आपने ग्राउंड फ्लोर पार्किंग देखे हैं, अब हम आपको बेसमेंट का पार्किंग दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए दूसरा सीढ़ी है, यहां से हम लोग बेसमेंट में जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा एरिया आपका बेसमेंट पार्किंग एरिया है। बेसमेंट फ्लैट तैयार किया जा रहा है। ये आपका बी ब्लॉक का पार्किंग हो गया बेसमेंट। बेसमेंट पूरा ढलाई हो चुका है, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि नाला और वगैरह सारा बनना था, ये सारा बन के कंप्लीट हो चुकी है। इसमें आपका वॉशिंग पॉइंट वगैरह सारा दिया हुआ रहेगा, यहीं पे आप गाड़ी वगैरह धो सकते हैं। ये ड्राइवे हो गया, यहां से आपका बेसमेंट में गाड़ी आएगी और इस लोकेशन से आप देख रहे हैं कि जो भी पानी होगा उसको बाहर निकाला जाएगा। और ये ए ब्लॉक का बेसमेंट पार्किंग हो गया। प्रोजेक्ट के जस्ट सामने स्विंडल गर्ल्स स्कूल है, तो यानी स्कूल और मार्केट के नजदीक मंदिर आपका इसमें मिल रहा है और पटना स्टेशन और जो है आपका एयरपोर्ट दोनों पास में ही है। पटना जंक्शन 4 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है, बाईपास पटना बख्तियारपुर 4 लेन आपका मात्र 50 मीटर का डिस्टेंस पे, पटना डोभी जो नया 4 लेन निकली है वो 1 किलोमीटर पे और पटना बक्सर 4 लेन यहाँ से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होने जा रही है। तो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे कॉल कीजिए, एक बार साइट विजिट कीजिए। और हाँ, जहां तक रेट की बात है तो 6,000 रुपया स्क्वायर फीट के रेट से ये फ्लैट आपका होने जा रही है, प्लस 5 लाख रुपया पार्किंग का एरिया है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।